हमारी है आंखें फिर भी हम रहते। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो प्रीव्यू में स्टेटस वीडियो देखा, ये वाला स्टेटस वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, सभी जगह इसके स्टेटस वीडियो मिल रहे हैं। तो ये वाला स्टेटस वीडियो मैंने भी सोचा कि आप लोग को एडिट करना सिखाया जाए, तो इसलिए आज के इस वीडियो में, अभी जो प्रीव्यू में स्टेटस वीडियो देख लिया है उसका ट्यूटोरियल मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंप्लीट लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोगों को इस वीडियो की एडिटिंग पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। वीडियो के बारे में कमेंट करके बता देना। वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो आप लोग हमें स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे सेंड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाना, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी। तो इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये VN एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर से, तो वहाँ से डाउनलोड करके इस तरीके से ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइज, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल मटेरियल मैंने दे दिया है, तो वहाँ से सारा कुछ आप लोग डाउनलोड कर लेना है एक एक करके। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो क्लिप मिलेगी, तो वो वाली वीडियो क्लिप ऐड कर देना है यहाँ से। उसके बाद फोटो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से एक इमेज ले लेना है, जिस इमेज पे आप अपना स्टेटस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं जो इमेज यूज़ करूँगा वो आप लोग लेना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल इजीली ले सकते हो। इमेज ले लेने के बाद नीचे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ से ये प्रोसेसिंग होके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके पीछे से ये ब्लैक पट्टी है, इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिलीट कर लेना है। डिलीट कर लेने के बाद इस तरीके से इसको थोड़ा जूम इन कर लेना है। इस तरीके से आप लोग जूम इन करके फोटो लेयर को बढ़ा लेना। फोटो लेयर को बढ़ा लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे इसमें सॉन्ग ऐड कर लेना होगा। तो सॉन्ग ऐड कर लेने की यहाँ पे सॉन्ग वाला आइकन बना है, यहाँ पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना और यहाँ पे ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। और यहाँ से हम वीडियो में से सॉन्ग लेंगे तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से जो सॉन्ग है वो वाला वीडियो ले लेना। तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग वाले वीडियो को यहाँ से ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद फर्स्ट में ही सॉन्ग आ जाएगा इस तरीके से, तो आप लोग को यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से सॉन्ग ऐड हो चुका है अपना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आगे आ जाना। आगे आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो के ऊपर आ जाना है इस तरीके से। फ़ोटो के ऊपर यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे आप लोग को विग्नाइट के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद इसको 100% इस तरीके से बढ़ा के यहाँ से राइट कर लेना है। उसके बाद फिर से फ़ोटो के ऊपर आना है और यहाँ पे आप लोगों को एफएक्स के ऊपर में क्लिक कर देना। एफएक्स के ऊपर में क्लिक कर लेने बाद इस तरीके से आगे आना। आगे आने के बाद आप लोग को ये वाला इफेक्ट लेना है, एक्सपेंड ये वाला। उसके बाद इस तरीके से इसको आगे जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक उस तरीके से खींच यहाँ पे राइट कर लेना। इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे वीडियो के बीचों बीच में इस वाले प्लस वाले ऑप्शन के पास में आ जाना। उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वीडियो फोटो के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट वीडियो को ले लेना है। इस तरीके से आ जाने के बाद आप लोग को नीचे टूल बार को स्लाइड कर लेना इस तरीके से और यहाँ से इसको फिल कर लेना। फिल कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आगे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से इसको स्किन कर देना। इस तरीके से इफेक्ट अपना आ चुका है इसके अंदर, देख सकते हो। उसके बाद इसमें लिरिक्स वीडियो ऐड कर लेने के लिए भी आप लोगों को यहीं पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को लिरिक्स वीडियो को ले लेना है। लिरिक्स वीडियो इस तरीके से आ जाएगा अपने सामने, तो आप लोग को यहाँ से इसको भी फिल कर लेना। फिल कर लेने के बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग यहाँ इसको भी स्किन कर लेना। तो मैंने यहाँ से इसको भी स्किन कर लिया। उसके बाद आपने जो प्रीव्यू में देखा उस तरीके का स्टेटस वीडियो बिल्कुल कम्प्लीट बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को ऊपर यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से आप लोग इसकी क्वालिटी फुल करके और यहाँ से राइट के ऊपर में क्लिक कर देना, तो वीडियो अपने फ़ोन की गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्टेटस वीडियो की एडिटिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो के बारे में कमेंट करके जाए। तो मैं मिलूँगा आप लोग को नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।